अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ के लिए इस बार 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस कुछ अलग ही होगा। इस रोज सभी घरों पर तिरंगा लहराने की जिला प्रशासन ने सरकार की मंशा को देखते हुए योजना बनाई है। करीब 5,00,000 घरों पर जब तिरंगा लहराएगा तो अलग ही छटा होगी। देशभक्ति से ओतप्रोत ये पल इतिहास में दर्ज होने के लिए बेताब हैं। नवनियुक्त जिलाधिकारी दीपक मीणा ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया है कि हर घर तिरंगा के लिए जिला स्तर पर एक ऐप बनाई जाए और इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कराते हुए नगर निगम, नगर पालिका और ग्राम पंचायतवार हर घर तिरंगा की सेल्फी आवश्यक डाटा अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाए। जो ग्राम पंचायत और नगर पालिका, नगर पंचायत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लक्ष्य को 100% पूरा करेंगे उन्हें 15 अगस्त के अवसर पर सम्मानित भी किया जाएगा। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने यह जानकारी दी। मैं देखिए, इसमें भारत सरकार ने जैसे मंशा भी है कि इस बार जो हमारा अमृत महोत्सव चल रहा है और आज पूरा वर्ष अमृत महोत्सव बना रहा है, उस उपलक्ष्य में ये निर्धारित किया गया कि सभी लोगों को प्रेरित करें कि वो अपने घरों पे नेशनल फ्लैग लगाएं। 11 से 17 के अगस्त के बीच में सभी घरों पे एक तरीके से नेशनल फ्लैग रहे, जिसकी वजह से नेशनलिज्म की और पैट्रियटिज्म की एक अलग टाइप की फीलिंग लोगों में डेवलप हो। तो उसी क्रम में हम लोगों द्वारा यहाँ मीटिंग भी की गई है। यहाँ पर जो हमारा लक्ष्य है वो 4,50,000 घरों का है। तो हमने सरकारी संस्थान तो सभी जगह लगाने के लिए ऑलरेडी बोल दिया, पर 4,50,000 लोगों को लगाने के लिए तो हमने सिलाई सेंटर्स हैं उनसे टाइप करने के लिए, स्वयं सहायता समूह, CSR ऑर्गेनाइजेशंस, NGO, सभी लोगों को टाइप करने के लिए, सभी वर्ग के लोगों को जोड़ने के लिए, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, तो उसकी एक रणनीति बनाई है। हम उसको लागू करवाने की स्टार्ट कर दिया है हमने, और कोशिश की जा रही है कि विद इन 15 डेज में हम लोग इसको टाइप कर लें। और इसमें हम लोगों ने कोशिश करें कि एक एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की भी बना दें, जिससे किस ब्लॉक में, किस गांव में कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है या शहर के किस वार्ड में कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है, और उस बेसिस पे फिर हम लोग इसमें ये भी कोशिश करेंगे कि जो, चाहे वो NGOs हों, चाहे वो इंडिविजुअल व्यक्ति हो, चाहे वो गाँव हो या वार्ड हो, जिन्होंने भी अच्छा काम किया है और जिन्होंने आगे बढ़ के बड़े जोश से इसमें अपना प्रतिभा किया, उन लोगों को भी हम किस तरीके से सम्मानित कर सकते हैं उस पर भी हम विचार कर रहे हैं। और कोशिश की जाएगी कि 15 अगस्त के दिन उन सभी लोगों को सम्मानित किया जाए। तो ये अभी तक रणनीति है, इस पर लगातार काम चल रहा है, लोगों से सुझाव भी मांगे गए, और मुझे उम्मीद है कि मेरठ में ये चीज़ बहुत अच्छे से निकल के आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो हमारा लक्ष्य है उससे भी ज़्यादा, एक तरीके से हम कोशिश करेंगे कि पूरे 100% लोग, सभी लोग अपनी छतों पे, अपने घरों पे तिरंगा लहराएं। हाँ, इसमें ऑलरेडी एक कमेटी बनी हुई है, उन कमेटी में ऑलरेडी 12 से 15 ऑफिसर्स हैं, तो सभी लोगों को जिम्मेदारी दी गई है और लगातार इसकी अब मॉनिटरिंग होगी और अच्छा रिजल्ट आएगा मुझे लगता है। इसमें तो एक तरीके से मान के चलिए कि हर घर पे लगाना है, मोटिवेशन ये होनी चाहिए कि हर घर पे, जैसे हमारे यहाँ पे मेरठ में 5,00,000 से ऊपर आवास है, जिनमें से 3,00,000 आवास ऑलमोस्ट शहरों में है। तो हमने, हमारा लक्ष्य वैसे जो शासन से या ऊपर से भारत सरकार से भी मिला है, वो 4,50,000 का निर्धारित हुआ है। तो मुझे लगता है 4,50,000 और 5,00,000 में बहुत अंतर नहीं है। तो हमने अपना लक्ष्य 100% सभी घरों का रखा हुआ है, तो ऐसी कोई पॉकेट्स नहीं है, सभी जगह लगना है। सारी जितनी घर है, इंडिविजुअल मकान और जितने सरकारी हैं वो तो है ही, तो सभी जगह पे एक तरीके से तिरंगा लहराने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।